वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई नो दिवाली ख़त्म हो चुकी है एंड आई होप आपकी दिवाली बहुत 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 अच्छी गई हो। सो जैसे आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग मेथी का लड्डू बनाने वाले हैं। वो बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और क्या रेसिपी है वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। बेसिकली हम लोग का ये आइडिया था कि मेथी का लड्डू जो है वो दिवाली पे हम लोग बनाकर खाएं, क्योंकि फराड़ ज़्यादा कोई हमारे घर पे खाता नहीं। तो फराड़ हम लोगों ने इस बार बनाया नहीं, तो फराड़ का सब्स्टिट्यूएंट ये मेथी का लड्डू। इट्स अ लॉट हेल्दियर एंड डिलीशियस ऑल्सो। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को ये मेथी का लड्डू खाना पसंद होगा, बट मुझे बहुत पसंद है एंड मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी जानना हो ये रेसिपी तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो जाते हैं। गाइस ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट। ये एक्चुअली मेथी का पाउडर एंड घी का मिक्सचर है। मैं आपको बताती हूँ कि ये मॉम ने कैसे बना के रखा है। इस छोटे बॉल में मम्मी ने ये मेथी को लिया था एंड उसको ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड ऐसे करना है कि एकदम भी फाइन नहीं चाहिए हम लोगों को। आप लोग देख सकते हैं एकदम फाइन मिक्सचर तो नहीं है, इसमें दाने दाने दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ग्राइंड कर लेना है एक बॉल मेथी को। उसके बाद उसको 3 या 4 स्पून जो है घी आपको लेना है एंड उसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 दिन के लिए कोई एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। ये स्टेप इसीलिए करते हैं क्योंकि मॉम ने कहा था इसकी वजह से, ऐसे करने से इसकी जो कड़वाहट है, मेथी की कड़वाहट है वो कम हो जाती है। तो ये करना एक्चुअली मैंडेटरी है एंड घी और मेथी को मिक्स करने से अच्छा स्वाद भी आएगा। तो हम लोगों ने 3 डेज तो नहीं रखा है इसको, 2 डेज के लिए रख दिया था। अभी ये तैयार हो चुका है एंड हम लोग अभी इसको यूज़ कर सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो गाइस अभी 4 से 5 चम्मच जो है वो आलिम लिया है। आलिम सीड जो है वो आपके बैक प्रॉब्लम के लिए या बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है आलिम और मेथी दोनों। तो इसलिए 4-5 चम्मच आलिम, ये देखो ऐसे दिखने में सीड से छोटे छोटे, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। मेथी को तो विदाउट रोस्ट करके ही हम लोगों ने उसका पाउडर बना लिया था, बट आलिम को जो है वो रोस्ट करना है। इसमें कुछ घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जो रॉ सीड्स है ना उसी को ही भुनना है अच्छे से। तो आलिम जो है वो रोस्ट करके हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसको जब तक रोस्ट करना है तब तक वो ऐसे फूटने को चालू नहीं हो जाता, जैसे कि हम लोग राई और जीरा के से फूटने लगता है जैसे वो रोस्ट हो जाता है। तो इसको भी उसी हद तक रोस्ट करना है। अभी इस साइड पर हम लोगों ने आलसी ले लिया है, फ्लैक सीड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसमें ये भी विमेन के लिए बहुत अच्छा होता है आलसी सीड्स, इसमें ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन ही ये फीमेल बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो उसकी वजह से अगर आप लोग इसको कंज्यूम करोगे तो ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। इसको भी उस हद तक रोस्ट करना है जब तक ये फूटने को चालू नहीं हो जाता। आलसी और आलिम ये दोनों हम लोगों ने रोस्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो चुका है। एंड अभी आप लोग आलिम जो है उसको डायरेक्टली यूज़ करना है लड्डू बनाते वक्त, और आलसी जो है इसको आप लोग पाउडर भी कर सकते हो और ऐसे भी सीड सिर्फ जो है वो लड्डू में डाल सकते हो। अगर ऐसे ही डालोगे तो थोड़ा क्रंची लगेगा, खाते वक्त आपको वो टेस्ट आएगा, फील आएगा। बट अगर आपको पाउडर करना है, एकदम आपको फाइन चाहिए लड्डू, तो आप लोग पाउडर भी कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बहुत सारा पाउडर का मिक्सचर है। तो इसमें बेसिकली सब रोस्टेड आइटम्स है। 4 बोल मूंग जो है उसको रोस्ट कर लिया था, घी तेल कुछ नहीं, सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था 4 बोल मूंग का। ये जो बड़ी वाटी है उसमें ओके। एंड देन उसके बाद मखाना जो होता है लोटस सीड जिसको बोलते हैं, उसको भी हम लोगों ने घी में रोस्ट किया था। आप लोग 2 वाटी ले सकते हो इसी वाटी में मखना। उसके बाद जो
कोकोनट होता है, कोकोनट को भी आप खींच सकते हो या फिर स्लाइस करके पाउडर कर सकते हो। उसके बाद उसको भी घी में रोस्ट करना है जैसे आपने मखना को किया था। एंड उसके बाद खसखस जो है वो आपको ड्राई रोस्ट करना है। 3 स्पून आप खसखस ले सकते हो। और उसके बाद डिंक को भी घी रोस्ट करना है, वो लिया था हम लोगों ने 100 ग्राम। और वो सब रोस्ट होने के बाद उसको अच्छे से पाउडर कर लिया है एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड पिसना मतलब एकदम भी फाइन पिसना नहीं है, थोड़ा सा पार्टिकल रहना चाहिए क्योंकि लड्डू जो है फिर वो जब हम लोग उसको खाएंगे तभी वो हम लोगों को थोड़ा पीसेस मिलेगा। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स लड्डू में होता है तो हम लोग को स्वाद आता है हम लोग जैसे उसको खाते हैं, तो उसी तरह से थोड़ा सा कोर्स रखना है। फिर खारीक पाउडर भी हम लोगों ने इसमें डाला है 250 ग्राम। इलायची पाउडर है ये इस डब्बे में, तो मम्मी ने इसमें 3 स्पून जो है यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है। बस ये तो टेस्ट के लिए होता है, इसका कुछ और मतलब नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शन, ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शन है, आप लोगों को डालना है, पसंद होगा अगर आपको लड्डू में तो आप लोग डाल सकते हैं। बाकी हमने सामान जो है वो सब कुछ डाल दिया है इसलिए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। तो अभी बड़े से टोप में यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट गैस हम लोगों ने चालू रखा है। बड़े से टोप में 1/2 लीटर घी डाला हुआ है। अभी 1 किलो गुड़ इसमें डालेंगे, ये ऑलरेडी इसका फाइन चॉप्ड करके रखा हुआ था जैगरी गुड़ जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो 1 किलो गुड़ इसमें डाल चुका है एंड 1/2 लीटर। अभी घी और गुड़ दोनों का जो मिक्सचर है उसको अच्छे से मेल्ट कर ले। पाक आप लोग बनाते हैं, दिवाली में भी हम लोगों ने बनाया होगा, पाक जो बनाते हैं ना वैसे पाक नहीं बनाना है, जस्ट इसको मेल्ट कर लेना है दोनों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था जो मेथी और घी का मिक्सचर जो हम लोगों ने 2 दिन के लिए रखा हुआ था वो इसमें डल रहा है। आप देख सकते हो वो भी डल चुका है। अभी तीनों को साथ में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये पाउडर का मिक्सचर यहाँ पे साइड में रख दिया है एंड यहाँ पे जो है वो मेल्ट कर रहे हैं। अभी 2-3 मिक्सचर हम लोगों ने इसमें इंग्रेडिएंट डाला था उसको मेल्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा तभी ये जो पाउडर है वो स्टोव में डाल के साथ में सबको मिक्स करेंगे। तो वो जो मिक्सर है वो पानी हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, तो इसलिए उसमें जो है हमारा मेन पाउडर मिक्सर जो भी इंग्रेडिएंट्स का हम लोगों ने बनाया था वो उसमें मिक्स करने के लिए डाल दिया है। गैस जो है वो फिलहाल बंद कर दिया है क्योंकि मेल्ट हो चुका है सब कुछ। अभी गैस बंद करके ही जो गरम गरम है वो सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्स होने के बाद, अब तक ये पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हो गया बट काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है एंड इससे अभी खुशबू भी आने लगी है जो हम लोगों ने इतना सारा सामान डाला उसमें, घी डाला, जैगरी डाला, सब कुछ डाला। तो अभी इसे और थोड़ी देर मिक्स करेंगे एंड उसके बाद हम लोग लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने तो जैसे कि आपको कहा कि 1 किलो गुड़ इसमें डाला है एंड 1/2 लीटर घी डाला है, तो आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं गुड़। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए, कम कड़वा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा गुड़ यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं लड्डू बनाने में आ रहा है, उसका मतलब जो मिक्सर है उसमें इंग्रेडिएंट सब परफेक्ट है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ा सा गर्म है, गरम गरम ही है। मम्मी बोल रही है कि गरम गरम ही बनाना चाहिए लड्डू, तब जाके वो अच्छे से गोल बनेगा और बराबर बाइंडिंग के लिए आएगा। बट दिक्कत वही है कि वो बहुत गर्म लग रहा है हाथों के लिए, इसलिए मम्मी मुझे से रॉ बना के दे रही है एंड उसको परफेक्ट गोल मैं कर रही हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लड्डू हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी। आप लोग इस रेसिपी को घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसे लगता है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।